वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज हम लोग सेक्टर 89 ऑफ गुरुग्राम में स्थित सिटी ऑफ ड्रीम्स प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट JV है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड M3M ग्रुप के बीच में। बेसिकली दे परचेज 60 एकर ऑफ लैंड बैंक फ्रॉम वाटिका इन 2020 एंड इसके बाद ये जो 30 एकर लैंड है, 30 एकर लैंड में 2.5 BHK JV के साथ आए हुए हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स में, प्लस 3.5 BHK एक्सक्लूसिवली M3M ने प्रमोट किया। तो इस प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जो आपका मार्केटिंग ब्रांडिंग सब कुछ M3M की तरफ से किया जा रहा है। हम इस प्रोजेक्ट में इसका लोकेशन एडवांटेजेस, ROI कैसे कैलकुलेट होता है, इसका टोटल कॉस्टिंग कितना आता है, आपको पेमेंट किस हिसाब से देना पड़ेगा, इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको इस प्रोजेक्ट के टोटल आइडिया देने की कोशिश करूंगा। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। पहले लोकेशन के बारे में बताता हूँ। मेरे हिसाब से अगले एक मिनट के अंदर पता चल जाएगा। दिस इज़ योर नेशनल हाईवे 8 जो दिल्ली से जयपुर होके मुंबई तक जा रहा है अभी। और ये जो राइट हैंड साइड पे द्वारका एक्सप्रेसवे या नेशनल पेरिफेरल रोड जिसको कहते हैं NPR, आज के दिन में ये नेशनल हाईवे 248 BBB नाम पे ये घोषित हो चुका है। प्लस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो साउदर्न पेरिफेरल रोड है, ये साउदर्न पेरिफेरल रोड सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होके गोल्फ पारे तक कनेक्ट होता है, ठीक है। तो और इस तरफ से ये जो राजीव चौक है, राजीव चौक से ये सीधा रोड निकल के सोना रोड, सोना की तरफ चले जाते हैं। आज के दिन में ये भी नेशनल हाईवे का पार्ट है जिसको कहते हैं 248A। अब इस लोकेशंस के अगर थोड़ा गौर करेंगे, सबसे पहला वाला सेक्टर जो राइट हैंड साइड पे आता है 83, 84, 88, इसके बाद ये जो पूरा चंक आप देख रहे हैं 83, 82, 85, 84, इसमें मेजर पोर्शंस आपका वाटिका के पास है। ऑलमोस्ट 700 एकर का वाटिका आईनेक्स का टाउनशिप है इस लोकेशन पे। इसके बाद आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है। अगर 89 की बात करें तो दिस इज योर सेक्टर 89, 88 के लगा हुआ सेक्टर है। अब जाने के दो कई सारे रास्ता है, आप किसी भी रोड से जा सकते हैं। प्लस अगर आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड जाना है तो साउदर्न पेरिफेरल रोड रोड पकड़ के आप सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन होके आप फरीदाबाद एंड नोएडा तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस लोकेशन 89 का खास क्या है, एक तो दो मेन एक्सप्रेसवे उनसे कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे प्लस नेशनल हाईवे 8 प्लस आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, तीन कनेक्टिविटी आ गया। प्लस ये जो आप रोड दिख रहे हैं ना, आपको मल्टी यूटिलिटी रोड कॉरिडोर कहते हैं इसको। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर सीधा आपका मानेसर्स के सारे सेक्टर से कनेक्टेड है। तो आपका जो मानेसर में लोग जॉब करते हैं आज के दिन में, या जो दिल्ली में जॉब करते हैं, वो सारे लोगों के लिए 89 सेक्टर बहुत आसानी से पहुंचने का एक जरिया है ये करेक्ट ये रोड आपका। प्लस ये ओल्ड गुड़गांव जो है, जो पटौदी रोड सबसे फेमस रोड माने जाते हैं इस लोकेशन में, सभी मेरे सबसे ओल्ड गुड़गांव के जो वाकिफ है उनको इसके बारे में आइडिया है। ये ओल्ड दादरी रोड आपका सीधा, सॉरी ओल्ड पटौदी रोड सीधा आपका पटौदी से लेके ओल्ड गुड़गांव तक कनेक्टेड है। तो चारों तरफ से ये कनेक्टेड सेक्टर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस लोकेशन एकदम एडजेसेंट सेक्टर 88। अगर आप गुड़गांव के मास्टर प्लान देखें, गुड़गांव के मास्टर प्लान में 88 सेक्टर प्योर कमर्शियल डेडिकेटेड सेक्टर है। इस जगह में कोई रेसिडेंशियल नहीं आ सकता, सारे के सारे कमर्शियल आएगा। ये दिस इज जस्ट लाइक यू साइबर सिटी। आज के दिन में साइबर सिटी ऑलमोस्ट 83 एकड़ में फैले हुए हैं और इस लोकेशन में इतना सारे कॉरपोरेट्स और DLF इस लेवल पे अपना कॉरपोरेट ऑफिस बना कर रखा हुआ है। तो फ्यूचर में जब ये सारे सेक्टर डेवलप हो जाएगा, या जो कमर्शियल सेक्टर या कमर्शियल बिल्डिंग्स आने हैं, काफ़ी हद तक अभी इसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो अगले 4-5 साल या 7 साल के अंदर ही जब पूरा कमर्शियल हब डेवलप हो जाएगा तो ये चारों तरफ रेसिडेंशियल हब जो होगा वो भी बाई डिफ़ॉल्ट उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, उसका ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा। आज के दिन में इसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, 3C का प्रोजेक्ट है ग्रीनोपोलिस, लोग इसमें रहते हैं आज के दिन में। प्लस कनेक्टिविटी वाइज देखिए तो आप पटौदी रोड से अगर आप आ रहे हैं ओल्ड गुड़गांव से, तो आपको लेफ्ट लेके ये जो शेडिंग के तौर पे दिख रहा है, ये दिस इज़ योर लोकेशन जो गोल्ड रश प्लस
जो M3M का फ्लोट्स आए हुए ड्रीम होम्स नाम पे, ये आप इस लोकेशन में पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कनेक्टिविटी आपको आइडिया तो आ चुका होगा, और इसके बाद डिटेल्स में बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। अभी आपको मैं गूगल मैप लोकेशंस तो बता ही दिया, मेरे हिसाब से आप उस मैप पे समझ भी गए होंगे। दो एक चीज़ उस जगह में जो मुझे बताना सही लगा, ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये आपका हयात होटल है। आज के दिन में हयात होटल आज के दिन में फंक्शनल है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, 4-5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट इस होटल को फंक्शनल होते हुए, और इसकी अहमियत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। साथ साथ इस जगह में प्रपोज्ड ISBT है, तो ISBT होने के बाद ये लोकेशन बाई डिफ़ॉल्ट ही बहुत फेमस हो जाएगा। साथ साथ आज के दिन में जो पूरे गुड़गांव फेमस है जिसके कारण के लिए, वह है IMT मानेसर इस जगह से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी में है। प्लस बहुत सारे लोग आज के दिन में, उनको पता नहीं होगा, ये जो रोड है आपका, जो आपका जयपुर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप 10 मिनट की ड्राइव करेंगे तो ये KMP एक्सप्रेसवे आज के दिन में फंक्शनल है। KMP एक्सप्रेसवे और KGP एक्सप्रेसवे जो है, ये पूरा एक आउटर रिंग रोड है, 135 किलोमीटर KMP एक्सप्रेसवे, एंड ये जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वो 135 किलोमीटर का है, तो 270 किलोमीटर का एक आउटर रिंग रोड है पूरे दिल्ली का। तो अगर आपको NH8 से लेके NH24 जाना हो या NH10 जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपको पूरे दिल्ली का कंजेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बाहर बाहर से निकल सकते हैं, जिसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। इसमें बहुत सारे क्लाइंट न्यू गुड़गांव में मेरे जान पहचान का बहुत सारे क्लाइंट ने लिया होगा इसी कारण के लिए, क्योंकि ये KMP के थ्रू से पानीपत सोनीपत वगैरह ट्रांसफ़र कर, मतलब आना जाना कर सके, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस है, तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज आ जाएगा। प्लस IMT से दुगना बड़ा एक आपका IMT सोना के पास आ रहा है, तो सोना में अगर उस IMT तक कनेक्टेड होना है आपको, तो इस रास्ते से सीधे जाके आप KMP लेके ये वो वाला जो KM आपका मानेसर है, जो सेकेंड मानेसर बन रहा है, वो भी आपका इसी रोड के पास ही है, जो आपका LNT जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं अभी आज के दिन में। तो मेरे हिसाब से इस लोकेशन का आइडिया आ चुका होगा। अब प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। दिस इज द काइंड ऑफ क्लब दैट दे विल डिलीवर। 3-स्टोरीड क्लब होगा, प्लस स्विमिंग पूल, अमेजिंग व्यू आएगा इस लोकेशन में, क्योंकि एक तो टाउनशिप का पार्ट है, काफ़ी नंबर्स आपका इस जगह में इंडिपेंडेंट फ्लोर होगा, तो आपका जो फैसिलिटीज़ वगैरह होगा वो सारे फैसिलिटीज़ A1 क्वालिटी का आपको मिलेगा, और एक ग्रुप हाउसिंग से कहीं बेहतर एक टाउनशिप, क्योंकि एक ग्रुप हाउसिंग में शायद 7-10 बेनिफिट आपको दिया जा सकता है, क्योंकि आपको उनको कॉस्टिंग भी ध्यान रखना होता है, बट जब एक टाउनशिप होता है तो टाउनशिप में सारे फैसिलिटीज़ मिलता है जो एक कस्टमर हमेशा चाहते हैं, तो ये बेनिफिट बाई डिफ़ॉल्ट एक टाउनशिप में मिल जाएगा। कुछ पिक्चर्स है, ये 3-स्टोरीड क्लब हाउस है, प्लस स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले मैंने अपना मैप के थ्रू से एक्सप्लेन किया, ये अपना बता रहे हैं अभी। ये मास्टर प्लान है, एक तरफ 60 मीटर रोड, एक तरफ 75 मीटर रोड, दूसरी तरफ 24 मीटर रोड, और इस तरफ भी 24 मीटर रोड से घिरा हुआ है, और ये पहला गेटेड लो राइज टाउनशिप है जहाँ पे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहली बार पूरे न्यू गुड़गांव में या पूरा NCR पे आया हुआ है जहाँ पे इस टाइप का लो राइज फ्लोर है, नीचे आपका कार पार्किंग है, ऊपर आपका इंडिविजुअल टेरेस है, क्योंकि हर टेरेस जो टोटल टेरेस है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और हर फ्लोर में अपने एक हिस्सा आपको उस जगह मिलता है, तो 200 स्क्वायर फीट के करीब टेरेस मिलता है। प्लस इसके नीचे जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट में आपका माई स्पेस या अपना ऑफिस स्पेस अपना मतलब खोल के देंगे, ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट के करीब ऑफिस होगा, वो 200 स्क्वायर फीट ऑफिस आप अपने इस जगह में अपने कलीग्स को लेके या अपना खुद उस जगह में अपना काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका मिला हुआ है उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या IT में जॉब करते हैं या किसी भी टाइप का आप काम करते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस ऑल्सो, समटाइम यू नीड ए स्पेस फॉर योर सेल्फ जहाँ पर आप अपना रिलैक्स कर सके, अपना टाइम बिता सके, तो उस जगह में वो अपना बहुत बेहतरीन एक जगह बन के आएगा। प्लस आपको पार्टी करनी हो या थोड़ा सा सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे थोड़ा चाय के लिए अलग से शांत बैठने का मन करे, तो ये टेरेस उससे बेहतर कुछ एरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा एक लोराइज डेवलपमेंट है, तो लोराइज डेवलपमेंट होने के नाते डेंसिटी बहुत कम होगा, गाड़ी का शोर शराबा बहुत कम होगा, तो एक जो प्रीमियम सेगमेंट लोग हैं गुड़गांव के अंदर जो IT and ITES में जॉब करते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, और आज के दिन में काफ़ी नंबर गुड नंबर से ये प्रोजेक्ट
बिक चुका है। ये पर्सनल ऑफिस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये टेरेस इस हिसाब से डिजाइन होगा। आप देख लीजिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया इंडिविजुअल एरिया है, तो आप अपने उस जगह में सोफा रख सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग दैट यू वांट टू फील लाइक। आप उस जगह में छोटा सा बारबेक्यू बना सकते हैं, यू कैन हैव अ गुड टाइम। प्लस एक कॉमन एरिया रहेगा सबके लिए, जो सब यूज कर सकते उसको। 1105 स्क्वायर फीट का एरिया है, बट 1105 पे 2.5 बीएचके का फ्लोर प्लान जो पूरे गुड़गांव नोएडा कहीं भी इस लेवल पे मिलता नहीं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। अब देखिएगा ये जो गुड़गांव में अगर 2 बीएचके कहीं आप कंपेयर करेंगे ना, 1200 स्क्वायर फीट के आसपास तो 2 बीएचके आता, 1200-1400 स्क्वायर फीट में, इवन 1100 स्क्वायर फीट में 1 बीएचके। रहेजा का नवोदय एक प्रोजेक्ट है, 1 बीएचके 1100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिनके कॉस्टिंग आज से 4 साल पहले 63 लाख में बेचा हुआ है। और इस जगह में आपको ऑल इंक्लूसिव 2.5 बीएचके दैट ऑन ए फ्लोर विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज और दैट ऑन ए बेटर लोकेशन आपको 65 लाख के अंदर आ जाएगा। ये यही चार्म है जब एक बड़ा प्लेयर मार्केट पे उतरता है और एक अच्छा चीज़ डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। अब इसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव भी बता दिए, नेगेटिव भी थोड़ा बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे क्या नेगेटिव हो सकता है। इसमें नेगेटिव ये है, ये न्यूली लॉन्च्ड है तो 2 साल लगेगा इसको पोजिशन में, तो बहुत सारे लोग जो इमीडिएट पोजिशन के लिए देख रहे हैं घर, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सेकंड, अगर आप सबवेंशन वगैरह लेना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह में 1585 लिखा हुआ है, तो मन में आ सकता है मैंने 15% देने के बाद देना नहीं है, ना बिल्कुल नहीं है। अब अगर सबवेंशन ले रहा है, लेना चाह रहे हैं, तो आपका लोन एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोन एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें 25-25-50 का ऑप्शन दिया हुआ है। 25% अभी दे दीजिए, 25% स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, 50% पोजीशन में, और या 40-60% अभी दे दीजिए, 60% पोजीशन में। तो ये कुछ नेगेटिव है, बाकी सारे इस जगह में आपको पॉजिटिव मिलेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोकेशन, सारे वन ऑफ द बेस्ट होने वाले इस लोकेशन में, ठीक है। अब खास बात देख लीजिए, जो लोन एलिजिबिलिटी है आपका इस प्री लॉन्च या इस टाइम पर, प्री लॉन्च तो नहीं बोलूँगा, सब कुछ आ चुका है इस जगह में। आज के दिन में सर आपको 2 लाख रुपए पे करना है, 2 लाख रुपीज़ ओनली, बाकी 5 लाख रुपीज़ डेवलपर की तरफ से आपके एज ए वो टोकन आपका वैसे रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा। तो आपका कंसिडर अमाउंट 7 लाख ही होगा। और इस जगह में साथ साथ इसके बाद आपका लोन एलिजिबिलिटी से लोन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपके पॉकेट से 2 लाख रुपये अभी जा रहा है, ठीक है। और उसका ईएमआई भी डेवलपर पे करेगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट टिल पोजीशन जो सबवेंशन की बात किया मैंने, डेवलपर पे करेगा अपने तरफ से, आपके पॉकेट से आपका सिर्फ लोन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। 0 रेंट ऑन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें 20,000 रुपीज़ पर मंथ टिल 2 ईयर्स आपको ये ईएमआई पे कर, आपका रेंट पे करेंगे आपके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए। ये अमाउंट आपका पोजिशन में आपका एडजस्ट हो जाएगा, जो बनता है ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपये। इसलिए 75 लाख का प्रॉपर्टी ऑल इंक्लूसिव 65 लाख के करीब आता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड रजिस्ट्री एंड पीएलसी। एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि 20,000 जो आ रहा है उसी में आपका मेंटेनेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। गेट फ्री पर्सनल ऑफिस एंड प्राइवेट टेरेसेस, अब इसके ऊपर आ रहा हूँ मैं, कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। जो नोएडा एक्सटेंशन या मान लीजिए कुंडली वगैरह जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसके हिसाब से प्राइसिंग किया हो गया। कैसे मैं बता रहा हूँ, 100% मनी बैक इफ नॉट डिलीवर्ड विद इन 2 ईयर्स। इसका कारण क्या है, डिलीवरी प्रॉमिस दिया हुआ है, क्योंकि 2 साल के अंदर अगर पोजीशन नहीं दे पाते हैं तो दे विल पे द मनी। तो इतना कॉन्फिडेंट इस जगह में, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोना पे यू, क्योंकि उसके पहले वो पोजीशन दे देगा। इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाने में टाइम नहीं लगता, हाई राइज में टाइम लगता है, ठीक है। अब इसमें एक कैलकुलेशन थोड़ा आप देखिएगा, फ्री प्राइवेट टेरेस, फ्री पर्सनल ऑफिस। जनरली होता है कि जब टेरेस सेल होता है तो टोटल कॉस्टिंग का 50% या 70% चार्ज करते हैं, अलग अलग डेवलपर अलग अलग करते हैं। मैं अगर 50% भी मानता हूँ तो ऑन एन एवरेज अगर इस प्रॉपर्टी का ऑन एन एवरेज जो टेरेस दे रहा हूँ 10 लाख भी कॉस्टिंग लगाता हूँ, क्योंकि टोटल कॉस्टिंग अगर 6,500 के करीब पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग लगा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 6-10 लाख रुपये करीब ये आपका प्राइवेट टेरेस का कॉस्टिंग आ जाएगा। प्लस जो ऑफिस है आज के दिन में, ऑफिस आपका 10,000 के नीचे कहीं भी आपको ऑफिस में मिलेगा नहीं। दूसरी बात, इस जगह में लॉकेबल ऑफिस दे रहा है आपको, लॉकेबल ऑफिस कहीं होता भी नहीं है, इतना छोटा साइज, तब भी मैं मानता हूँ चलिए 20 लाख रुपए मान लिया, 200 स्क्वायर फीट 10,000 रुपये का रेट 20 लाख, तो 10 लाख इस तरफ से, 20 लाख इस तरफ से, या 5 लाख इस तरफ से, 20 लाख इस तरफ से, तो 25 लाख हो गया। टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा आपका, 65 लाख, क्योंकि 75 लाख दिया हुआ है। अभी अगर लेना चाहते हैं तो 10 लाख के करीब आपको बेनिफिट मिलता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो 65 लाख से 25 लाख रुपए माइनस कर दीजिए,
तो बन जाता है वो 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए को अगर 1105 से डिवाइड करेंगे, 1105 से ऑलमोस्ट आपका 3500 स्क्वायर फीट के करीब आ रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा कैच है, मैं आगे बताता हूँ। ये कैलकुलेशन से आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए 1105 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, प्राइस आज के दिन में 75 लाख रुपये, 5 लाख रुपये का इनॉग्रल दिया हुआ है, 70 लाख का कॉस्टिंग आ रहा है। स्कीम बेनिफिट जो 20,000 रुपये के करीब बात किया मैंने, वो आपको 4,80,000 रुपये माइनस हो जाएगा। टोटल कॉस्टिंग 65,20,000 एक्सक्लूडिंग GST एंड PLC। अब इसमें ये जो 65 लाख जो मैंने इसमें 25 लाख रुपये माइनस करने के कहा, क्योंकि टेरेस प्लस आपका बेसमेंट मिल रहा है, तो इसके 25 लाख 40 लाख रुपये आया। अब खास बात क्या है, जो 1105 स्क्वायर फीट में आपको 2.5 बीएचके दे रहा है, ये कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये लो राइज है, तो ये ऑलमोस्ट जो लोडिंग होगा ऑलमोस्ट निल होगा। तो 1105 स्क्वायर फीट ये ऑलमोस्ट 1400 स्क्वायर फीट के बराबर है। आप अगर 1400 या 1500 स्क्वायर फीट का कोई डेवलपर का लेआउट के साथ 1105 स्क्वायर फीट का लेआउट कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कितना फ़र्क है। तो ये ऑलमोस्ट 1500 स्क्वायर फीट भी माने, 1500 स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग आपका 40 लाख रुपये, तो ऑन एन एवरेज ये 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका पर स्क्वायर फीट में आज के दिन में एक प्रीमियम सेगमेंट पे लोराइज अपार्टमेंट मिल रहा है, दैट टू इन अ हार्ट ऑफ सिटी। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ आइडिया आ चुका होगा। मैंने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ डाउट था, कई सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के दे देता हूँ। और अगर इसके बावजूद भी कोई आपके डाउट्स हो, यू कैन गिव अस ए कॉल, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। वी डील इन नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई ब्रोशर, PDF, कोई कमर्शियल वगैरह या कोई रिटेल शॉप चाहिए, तो यू कैन गिव अस ए कॉल, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।